जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अतर LLB पर। आज के वीडियो सेगमेंट में हम जानेंगे 20% अतिरिक्त पेंशन ऑन अटेनिंग एज ऑफ 80 ईयर्स के बारे में। इस संबंध में गवर्नमेंट की तरफ से लेटर्स जारी हुए हैं, गुवाहाटी हाईकोर्ट की तरफ से एक जजमेंट भी जारी हुआ है, AFT की प्रिंसिपल बेंच द्वारा भी एक इन फेवर ऑफ जवान एक जजमेंट जारी हुआ है रिसेंटली अगस्त के महीने में, और इसके अलावा डिफेंस का एक अलग क्लेरिफिकेशन इसके ऊपर साझा किया हुआ है। यदि आपको नहीं पता है तो आज इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, मैं आपको ये चारों चीज़ें यहाँ दिखाऊंगा और आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको 80वें साल के शुरुआत के पहले दिन से आपको 20% अतिरिक्त पेंशन मिलना आपका अधिकार में आता है या फिर 80 साल पूरा होने पर आपको वो पेंशन का अधिकार बनता है। तो अंत तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखने के बाद अपने कमेंट और राय जरूर देके जाएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना कतई ना भूलें। दोस्तों, वीडियो में लेटर और जजमेंट की कॉपीज़ टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलेंगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। आइए जानते हैं कि अटेनिंग एज 80 ईयर्स का हिंदी में मतलब क्या होता है। सबसे पहली चीज़ तो हमें यह जानने की ज़रूरत है, अटेनिंग एज का मतलब होता है प्राप्त करना, पूरा करना, या प्राप्त कर चुका या पूरा कर चुका। तो जाहिर है एज ऑफ 80 ईयर्स का मतलब है 80 साल, यानी कि क्लियर बनता है अटेनिंग एज ऑफ 80 ईयर्स का मतलब कि 80 साल पूरा कर चुके हैं, तब आपको 20% अतिरिक्त पेंशन मिलने का प्रावधान है। इसके संबंध में मैं आज आपको यहाँ बहुत सारे क्लेरिफिकेशन देने वाला हूँ। यदि आप वीडियो में अंत तक बने रहोगे तो आज आप अपने डाउट्स क्लियर करके यहाँ से जाने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, अटेनिंग एज 80 ईयर्स पर आपको 20% अतिरिक्त पेंशन बढ़ाने का जो प्रावधान है, इस संबंध में गवर्नमेंट का लेटर सबसे पहले देखेंगे। उस लेटर के बाद आगे जो भी चीज़ें मैंने आपको मेन्यू में रखी है वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। माय डियर फ्रेंड, ये गवर्नमेंट का लेटर है, 15 मई 2020 को निकाला था ऑफिस मेमोरेंडम, और ये जिस डिपार्टमेंट से निकला है वो डिपार्टमेंट आपका ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवेंसेज एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। यानी कि यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शंस बताई है कि किस तरह से स्मूथली पेंशन का डिसबर्सिंग किया जाएगा। इस लेटर के पैरा 11 को मैं आपको दिखाना चाहूँगा, दैट इज द पैरा 11, जो कहता है पेइंग एडिशनल अमाउंट ऑफ पेंशन ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 80 ईयर्स एंड अबव। यानी कि जिन्होंने 80 साल पूरी कर लिए उनको 20% अतिरिक्त पेंशन देने के प्रावधान के रिगार्डिंग यहाँ बताया गया है। इसमें बोला है कि एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन ऑब्लिक फैमिली पेंशन विल बी पेड ऑन अटेनिंग द एज 80 ईयर्स एंड अबव। यानी कि आपको तब दिया जाएगा जब आप 80 साल पूरे कर चुके हैं, क्लियर है। और इस रिगार्ड में इन्होंने पहले भी 2 ऑफिस मेमोरेंडम जारी किए इन डिटेल, जो कि आपके सामने हैं, 2 सितंबर एंड 3 अक्टूबर 2008। वो एक डिटेल लेटर्स हैं, उनकी भी आप कॉपी टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हैं, अदरवाइज इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं AFT ने जो हाल ही में एक जजमेंट दिया है इन फेवर ऑफ जवान कि उनको 80 साल के पहले दिन से ही 20% पेंशन दी जाए, तो ये वो जजमेंट है। ओरिजिनल एप्लीकेशन 20/62/2023 एक्स हवलदार होनी नायब सुबदार माथुराम। केस का लास्ट पैरा मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट पैरा में इसका जजमेंट लिखा है। ये जो जजमेंट है 2 अगस्त का जजमेंट है, रिसेंट जजमेंट है, कोई पुराना जजमेंट भी नहीं है। इस जजमेंट के पैरा 6 में लिखा है कि गवर्नमेंट को निर्देश दिया है कि इस इंडिविजुअल को 20% पेंशन फर्स्ट डे ऑफ 80 ईयर्स से देनी है, यानी कि एडिशनल ऑब्लिक एनहेंस पेंशन एट द रेट 20%, और ये 11 अप्रैल 2020 से लागू होनी है इसको। और यदि आप इसको नहीं पे कर पाए टाइम से तो इन्होंने बोला है एप्लीकेंट सेल बी इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम ऑन द अमाउंट ड्यू। यदि आप इसको पे नहीं करते हैं, गवर्नमेंट को बोला गया कि यदि आप इसको पे नहीं करते हैं तो एप्लीकेंट
6% ब्याज की दर से ड्यू अमाउंट पर 6% ब्याज लेने का हकदार होगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट की तरफ से निकले एक जजमेंट की। ये एक जजमेंट है, ये जजमेंट है केस नंबर रेट पिटिशन सिविल 42/24/2016। इसके जो पिटिशनर थे वो हैं वीरेंद्र दत्त ज्ञानी जी, ये पेशे से एडवोकेट लेटर ऑन जज एंड चीफ जस्टिस भी रहे हैं एमपी के अंदर। इनके जजमेंट की वो देख लेते हैं आप, पूरी कॉपी 14 पेज की है, बट लास्ट पन्ने पे लास्ट पैरा में कुछ लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बताया गया है कि एज पर द रूल सेक्शन 17 ब्राओ ऑफ द एक्ट द फर्स्ट स्लैब वुड बी अवेलेबल टू बी रिटायर्ड जज। रिटायर्ड जज के लिए ऐसा प्रावधान है कि 80 वर्ष के पहले दिन से, 80 वर्ष की शुरुआत के पहले दिन से ही उनको 20% एक्स्ट्रा पेंशन दी जाए। आपको मैंने दो अभी तक वो दिखाए हैं जजमेंट और ये गवर्नमेंट का लेटर दिखाया है। इससे 1/2 का रेशो यदि लेके चलें तो दो जजमेंट एक कहते हैं कि आपको 80 साल के पहले दिन से पेंशन मिलनी चाहिए, बट गवर्नमेंट का जो क्लियर जो कंसोलिडेट इंस्ट्रक्शन थी वो कहती हैं कि नहीं, 80 साल पूरा होने पर मिलनी चाहिए। अब मैं आपको क्लेरिफिकेशन दिखाता हूँ डिफेंस का। ये आप देखिए, क्लेरिफिकेशन ऑफ द पेमेंट ऑफ एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन फीमेल फैमिली पेंशन आफ्टर 80 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव। इसमें क्लियर सा लिखा है, बहुत कुछ है फिर भी ये जो मामला है, पूरा मामला उस सिविल जज ये जो क्लेरिफिकेशन दिया है वो इसलिए दिया है कि बहुत सारी ग्रीवेंसेस इसके रिगार्डिंग मिली हैं और उसमें पूछा गया है कि रेट पिटिशन सिविल नंबर 42/24/2016 जो जज साहब की थी उनको जब 80 साल के पहले दिन से लागू किया तो हमें क्यों नहीं किया, ऐसा आर्मर्ड फोर्स के जवानों ने पूछा है। तो यहाँ क्लियर लिखा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स कि जो जुडिशियल ऑफिसर होता है उसको ये लागू है, आर्मर्ड फोर्स के जवानों को ये लागू नहीं है। क्योंकि क्यों लागू नहीं है, इसमें वो रीजन भी दिया है, मैं आपको ये पैरा पढ़ के दिखाता हूँ। द सेड ऑर्डर डेटेड 15 मार्च 2018 पास बाय द गुवाहाटी हाई कोर्ट डज नॉट अप्लाई टू द आर्मर्ड फोर्स पर्सनल फैमिली पेंशनर्स एज दिस ऑर्डर इज स्पेसिफिक टू जज। वो ऑर्डर सिर्फ जजों के लिए था, आर्मर्ड फोर्स के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए नहीं था। आर्मर्ड फोर्स पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स आर गवर्न्ड बाय द पेंशन रेगुलेशन ऑफ द कंसर्न सर्विस एंड गवर्नमेंट लेटर इश्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन कंसल्टेशन विद द DOP एंड PW बीइंग अ नोडल डिपार्टमेंट ऑन पेंशनरी मैटर डीलिंग विद CCS पेंशन रूल 1972 एंड CCS EOP रूल 1972। इस पूरे पैरा में ये क्लियर कर दिया है कि वो जो ऑर्डर निकला था गुवाहाटी हाई कोर्ट की तरफ से वो सिर्फ एक स्पेसिफिक जजों के लिए था, आर्म फोर्स के पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स के लिए कतई नहीं है। हम CCS पेंशन रूल 1972 से और गवर्नमेंट द्वारा गवर्न किए जाते हैं जिसमें हमारा डिपार्टमेंट DOP एंड PW हमें डील करता है, तो हमें ये लागू कतई नहीं।